नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, बोले हमारे साथ वादा खिलाफी की। अब नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हुई तो बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों की हड़ताल जारी है। पिछले कई दिनों से बस्तर जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आंदोलन कर रहे हैं। अब इन शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे आने वाले बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था बिगड़ सकती है। दरअसल जगदलपुर में अतिथि शिक्षकों ने रैली निकाली, नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में गंगाजल लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। दोबारा विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, लेकिन अब तक सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि बोर्ड एग्जाम में हमारी बड़ी भूमिका रहती है। एग्जाम शुरू होने से पहले यदि प्रदेश संगठन की तरफ से आंदोलन करने कोई निर्णय लिया जाता है तो सारे अतिथि शिक्षक एकमत होकर आंदोलन करेंगे ताकि सरकार उनकी भी सुने। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि सरकार से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है। इधर अतिथि शिक्षकों की मांगों का भाजपा ने भी समर्थन दिया है। भाजपाइयों ने नियमितीकरण की मांग को जायज बताया है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष अविनाश ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। 2018 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर चुकी है। उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं आया है। जिलाध्यक्ष अविनाश ने कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता शिक्षकों के साथ हर वक्त खड़ा है।